हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज बनाई हूँ मैंने ये चने की दाल की बर्फ़ी, चाहे इसको चने की दाल का हलवा बोलो या बर्फ़ी। इसके लिए चने की दाल को 3-4 घंटे भिगा देंगे, उसको अच्छे से भिगा देंगे। फिर 1 कप के हिसाब से लेंगे, 1 कप चने की दाल है तो 1 कप शक्कर लेंगे, फिर 1 कप दूध, फिर इलायची पाउडर, थोड़ा घी, अगर आपके पास डालडा है तो डालडा डाल दिए, फिर बादाम नहीं तो सूखा खोपरा। पहले चने की दाल को दूध में डाल के उबाल देंगे, उसको 80% तक उसको कुक करेंगे। फास्ट गैस पे 10 मिनट उबालेंगे, फिर स्लो गैस पे रखेंगे। अच्छा, 80% तक पूरा कुक नहीं करना है इसको, 100%। अच्छा ना कुक करो, फिर इसको ठंडा करके देखो। ये हो गई है 80% तक कुक, अब इसको ठंडा कर देंगे। ठंडा करके फिर मिक्सर में पीस देंगे इसको बारीक। ये देखो पीस दिया। पीसने के बाद अच्छा पीसने के बाद इसको फिर अपन एक पैन में घी डालेंगे। घी नहीं तो डालडा डाल सकते हैं आप। फिर उसके अंदर ये चने की दाल डालेंगे। याद रखें घी को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, हल्का सा गर्म करके फिर इसके अंदर ये डालेंगे, नहीं तो चने एक साइड से कड़क हो जाएंगे जहाँ ज़्यादा गर्म हुआ है। फिर इसको अच्छे से भून लेंगे, इसको 10-15 मिनट ऐसे ही भूनते रहना है। ऐसे शब-ए-बारात इबादत की रात है, उसमें बनाते हैं चने की बर्फ़ी, चने की दाल की बर्फ़ी। आप भी देखिए, ट्राई करिए। देखो ये थोड़ा भून गया है, इसने अब घी छोड़ना शुरू करा है। फिर इसमें थोड़ा बादाम डालेंगे, थोड़ा सूखा खोपरा, आपके पास जो अवेलेबल है वो डालिए, पिस्ता डाल सकते हैं। थोड़ा गार्निशिंग के लिए भी रखो, फिर इलायची पाउडर डालो, फिर शक्कर डाल के थोड़ा दूध डाल के इसको फिर पकाएंगे पूरा पानी सूखने तक। जितना पकाएंगे उतना घट हो जाएगा वो, फिर उसको निकाल देंगे पैन में ठंडा होने के बाद। देखिए कैसा हो गया है, ठीक होते जा रहा है। अगर आपको डिश मेरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मेरा वीडियो पूरा वॉच करिए, कमेंट्स करिए। अब गैस बंद करके इसको ठंडा कर देंगे, और एक प्लेट में इसमें पहले थोड़ा सा घी लगा के फिर निकालो इसको। फिर चाहे इसको आप हाथ से शेप दे सकते हैं। फिर इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए बादाम लगाए, थोड़ा सूखा खोपरा, आपके पास जो अवेलेबल है वही लगाए। फिर इसको कटोरी की सहायता से फिर दबाए इसको अच्छे से, फिर इसके कट पहले ही कट करके रख दे। आप चाहे कौन सा भी शेप कट कर सकते हैं, आप चाहे तो काजू कतली के भी शेप में कर सकते हैं, और ठंडा गोल राउंड शेप में भी कर सकते हैं। फिर इसको 3 घंटे ठंडा होने दें, और देखिए कितनी मस्त सॉफ्ट है। और इसको ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि दूध डाला हुआ है। ओके, बाय।